अगर आप सभी ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका पहला पार्ट देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, हेडफोन लगा ले लो मडे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पिछले पार्ट में देखा कि चिमटू विमधायक जी से गुस्सा होकर घर से भाग जाता है और वह आगे जाकर एक गुफा में बाजी से मिलता है। फिर चिमटू बाजी को मॉन्स्टर से बचाने के लिए पैरेलल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने की सलाह देता है, लेकिन चिमटू और बाजी चिंकी के लेने के चक्कर में पैरेलल वर्ल्ड में फंस कर रह जाते हैं। अब आगे, बिरजू साला चिमटू को घर से भागे हुए पूरे दो दिन हो गए हैं। क्या कर सकते हैं, मुठल और पिदी ही सही, औलाद तो मेरी ही है। बिरजू, तुम्हें क्या लगता है, एक मुठल बिना रिल्स देखकर हिमालय कितने दिन रह सकता है? विधायक जी, मेरे हिसाब से 2 घंटे भी नहीं, क्योंकि सच्चा मुठल वही है जो दिन में 4 बार तो कम से कम हिमालता ही हो। लेकिन चिमटू रिल्स देखकर ही हिमालता था, पर चिमटू का मोबाइल तो आपने छीन लिया है, इसका मतलब चिमटू को अभी तक घर आ जाना चाहिए था। लगता है चिमटू किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। तो दोस्तों, विधायक जी और बिरजू चिमटू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और इधर चिमटू और बाजी को पैरेलल वर्ल्ड का डोगेश अपने घर में बांध देता है। यही लो मड़ो, मुझे एक बात बताओ, लुंडली खड़ी होती भी है क्या, जो साला तुम चिमकी की लेने चले आए? हाथ खोल मेरे और एक बार पीछे की ओर घूम, फिर बताता हूँ। अबे चुप हो जा बाजी, अपनी नहीं तो मेरी ही जान की फिकर कर ले, मैं बिना गुलाम भी लिए नहीं मरना चाहता। चुप साला चुप, तेरी वजह से ही फंसे हैं। क्या बोला था तूने, रियल वर्ल्ड में न सही, पैरालेल वर्ल्ड में तो चिंकी की लेकर ही रहूंगा। अब लो मडा ले ले मेरा चुमतिया साला। बस कर बाजी, अब बस कर। अबे तू मुटल था और तू मुटल ही रहेगा, क्योंकि तू साला पनौती है। अबे बहुत हुआ साला, अब जल्दी से बताओ कि कौन हो तुम लोग, वरना ये चक्कू कब घुसेगा कब निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। चक्कू की बात कर रहा है या अपनी लुंगी की? अद्भुत अद्भुत अद्भुत, अद्भुत अविश्वसनीय, वाह ब्रो, वाह कॉमेडी कर दी आपने तो। हुए हुए हुए, भोपड़ी के रोक, इधर कॉमेडी विद कपिल शर्मा चल रहा है क्या? रुक, तेरी आग सारी की सारी बाम कचोंदी निकालता हूँ। विधायक जी, हमने चिमटू को हर जगह देख लिया, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। विधायक जी, गुब्बारे लेंगे क्या? अबे नहीं लेना बुमरत चटे। ले लो विधायक जी, 2 दिन से हिमाला नहीं मैंने। अबे तो हिमालना है तो कहीं जाकर हिमाल लेना, गुब्बारे क्यों बेच रहा है? अरे विधायक जी, गुब्बारे बेचकर पैसे मिलेंगे थोड़े, उस पैसे से खाना खाऊंगा फिर हिमालूंगा, खाली पेट हिमालने से चक्कर आते हैं। विधायक जी, काश यही गुब्बारा तेरे बाप ने इस्तेमाल किया होता तो तेरे जैसा मुटल पैदा नहीं होता। जाकर होटल पर खाना खा लेना मेरा नाम लेकर। क्या जमाना आ गया है बिरजू, हर जगह मुटल ही मुटल नजर आते हैं। विधायक जी, क्या करें, आजकल सारी गुलंबिया तो छपरी के TMDA सालार वाले ले जाते हैं। बात तो सही कह रहे हो बिरजू, 10 साल पहले मेरी रसियन वाली गुलामी भी कोई चुरा कर ले गया था, अब खड़ा क्यों है, जाना इधर से। आपका कुछ खो गया है क्या विधायक जी? हाँ, मेरा बेमटा चिमटू 2 दिन से मिल नहीं रहा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपके बेटे को ढूंढने में। बोके से? उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे पीछे आइए विधायक जी। अबे ये कहाँ पर लेके आ गया बुरचते, यहाँ पर कैसे मदद करेगा तू हमारी साले। अबे बिरजू ये हो क्या रहा है? विधायक जी, मेरा नाम डॉक्टर चीम स्ट्रेज है और ये दोनों का नाम डोगेमोन और सेवलोन है, हम चीमेंजर्स है, हमें तलाश है इस जादुई पेंसिल की, हम चाहते हैं कि आप हमारी इस पेंसिल को ढूंढने में मदद करें। अबे पर हमें नहीं पता कि ये पेंसिल कहाँ है। बिरजू तुम क्यों नहीं बताते कि पेंसिल कहाँ है? मैं कोई पेंसिल के बारे में नहीं जानता। हाँ लेकिन तेरा बेटा बाजी जानता है। अबे बिरजू तू तो सिंगल है,
फिर तेरा बेटा कहाँ से आ गया? इंजू तुम्हें अब सच बताना होगा, क्योंकि अगर वो पेंसिल हमें नहीं मिली और वो किसी के गलत हाथों में पड़ गई, तो हमारे पास कामली पर गुलाबी कलर करने के लिए पेंसिल ही नहीं होगी और इस दुनिया से सारी गुलाबियाँ खत्म हो जाएंगी और हर जगह कामली ही कामली होगी। कामली पर गुलाबी रंग, कहना क्या चाहते हो? विधायक जी, हमारी दुनिया में गुलाबी और कामली का संतुलन बनाए रखने के लिए हमने जादुई पेंसिल बनाई, जिसका काम है हमारी दुनिया में किसकी कामली पर कलर करके गुलाबी बनाना है और किसकी कामली ही रखनी है। लेकिन हम तो 10 साल से गुलाबी की कमी से जूझ रहे हैं, तब कहाँ थी ये जादुई पेंसिल? विधायक जी, हमने इस जादुई पेंसिल की जिम्मेदारी जिस इंसान को सौंपी थी, उसने जादुई पेंसिल का गलत इस्तेमाल किया। उसने सारी गुलाबियाँ अपने कब्जे में करना चालू कर दी, जिस वजह से हमें उससे जादुई पेंसिल को छीननी पड़ी और उसे छीन कर एक गुफा में मॉन्स्टर के साथ तब तक के लिए छुपा दी जब तक हमें उस पेंसिल के लायक इंसान नहीं मिलता। और इस वजह से हमारी दुनिया में गुलाबी की कमी चल रही है। लेकिन अगर अब हमें जल्दी से वो पेंसिल नहीं मिली तो हमारी दुनिया से गुलाबी का नामोनिशान मिट जाएगा। हमें जैसे ही पता चला कि किसी ने पेंसिल का इस्तेमाल किया है और उसका नाम बाजी है, तो हम तुम्हारे पास चले आए। अबे, इसको दो थप्पड़ मारे थे, सिर्फ 2 घंटे से बेहोश पड़ा है। उठा इसे जल्दी और सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग? चिंकी, ओह ये चिंकी, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। संभाले मोटल, होश में आ जा। अबे कितनी बार बोलूं कि हम इस पेंसिल की मदद से टेलीपोर्ट होके तुम्हारी दुनिया में आए हैं। हम वो चिमटू और बाजी नहीं है जो तू समझ रहा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं सिर्फ एक ही बात बोलेगा तुम लोग से, चिंग चुंग लुम पुन कुन, 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 चिंग चुंग लुम पुन कुन। गुलाबी दो, गुलाबी दो, गुलाबी दो, ये क्या हो रहा है इधर? गुलाबी दो, गुलाबी, हमें आने में बहुत देर हो गई। हमसे पहले पेंसिल को चाइनीज ने ढूंढ लिया विधायक जी। पर ये गुलाबी दो, गुलाबी दो क्यों चिल्ला रहे हैं? विधायक जी, हमारी दुनिया की सारी गुलाबियाँ चाइनीज ने फिर से अपने कब्जे में कर ली। चाइनीज चाइनीज